हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों बात करते हैं अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के बारे में, जहां से हम लोग 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। क्लैट वाले बच्चों को भी पैसेजेस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं। पहला करंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये नेटो का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने नॉर्दर्न लैंड कमांड स्टेब्लिश कर दी है फिनलैंड में। फिनलैंड के ईस्टर्न पोर्शन में नेटो ने सेटअप कर दिया अपनी न्यू लैंड कमांड ईस्टर्न फिनलैंड। अगर आप देखते हैं, एक बार मैप देखेंगे अगर आप, तो फिनलैंड ईस्ट की तरफ से रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस 2022 के बाद फिनलैंड और स्वीडन जो है वो यहाँ पर नेटो के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि स्वीडन की मेंबरशिप रोक दी जाती है, बट सबसे पहले फिनलैंड को यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है। बट अब स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन गया। तो ये कमांड जो है ना बेटा, कमांड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, जैसे आर्मी की आप लोगों की कैंट्स होते हैं ना, जैसे आर्मी के सेटलमेंट पोस्ट होते हैं कि कहाँ पर आपने आर्मी को पोस्ट कर रखा है, उसी तरीके से नेटो का ये कमांड है। मतलब नेटो की लैंग्वेज में आप इसको कमांड कहते हैं। तो इनका एक लैंड कमांड ईस्टर्न फिनलैंड में रशिया के बॉर्डर के पास स्टैब्लिश होगा। 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये पूरा की पूरा जो ईस्टर्न कमांड है या ईस्टर्न लैंड कमांड है फिनलैंड वाला, ये सारे के सारे लैंड फोर्स ऑपरेशंस को देखेगा, खास करके नदर्न यूरोप में। जब भी कभी कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर इनकेस इन फ्यूचर हुआ, तो यही नॉर्दर्न लैंड कमांड ईस्टर्न फिनलैंड वाला यहाँ पर काम आएगा। फिनलैंड जो है वो नेटो का मेंबर अभी 2023 में बना है, और रिसेंटली 2024 में जो नेटो का मेंबर बना है वो स्वीडन। फिनलैंड 2023 में बना। तो ये कह सकता हूँ कि फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर था, अगर थोड़ा बहुत आप लोग करंट फॉलो करते हैं। और इस समय जो स्वीडन है वो नेटो का 32nd मेंबर है। चलो आइए नेटो की बात करते हैं बेटा। नेटो को वैसे बनाया गया था कोल्ड वॉर एरा में। कोल्ड वॉर एरा क्या है? 1945 के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में एक जंग से छिड़ गई थी दो सुपर पावर्स के बीच में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताई किसने। यहाँ पर अमेरिका बोलता है कि मेरे न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जीते हैं, रशिया बोलता है कि नहीं सर मैं भी कम नहीं था। तो जो नेटो है ये बनाया था अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949। और अभी अगर हमने पिछली वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने कवर किया था नेटो के 75 ईयर्स यहाँ पर पूरे हो गए थे। हेडक्वार्टर नेटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और 2014 से नेटो का एक ही फिलहाल सेक्रेटरी जनरल है जो की है जेंस स्टॉलनबर्ग। आज की डेट में नेटो के 32 मेंबर्स हैं, और 32nd रीसेंट मेंबर जो बना है वो स्वीडन है। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं बेटा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है तेलंगाना दर्शनी विच इज एजुकेशनल टूर। एक एजुकेशनल टूर प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल सी बात यार, देखो क्लासरूम में आप लोगों को अगर पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी, मतलब हम लोग इम्पार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को साथ में मिल जाए तो मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो ये जो तेलंगाना दर्शनी प्रोग्राम है, इसमें स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर टूर पे लेके जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे लर्निंग टूर आप लोगों के करवाए जाएंगे, आउटसाइड द क्लास बहुत सारे सेशन होंगे। और ये पूरा की पूरा प्रोग्राम यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है तेलंगाना का, उसके अंडर यहाँ पर होने वाला है। तो एक अच्छा एक वेलकमिंग स्टेप है। सिंपल सी बात, यहाँ पे केवल स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी एजुकेशनल टूर पर जाएंगे। टारगेट ऑडियंस क्या है? क्लास सेकंड से ये टूर शुरू हो जाएंगे अप टिल ग्रेजुएशन लेवल। और इन टूर्स से जैसे कि मैंने बोला कि मेजर एम एजुकेशनल है। अलग अलग डिफरेंट एज के अलग अलग एजुकेशनल टूर्स इन्होंने टॉपिक वाइज सेट कर रखे हैं। तो बहुत वेलकमिंग स्टेप है। सिंपल सी बात है, कोई मुझे याद आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में भी यही आइडियोलॉजी दी थी कि एक डिसिप्लिन क्लासरूम से अच्छा क्या है कि बच्चों को नेचर में अगर हम पढ़ाए तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तेलंगाना की बात करते हैं बेटा, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, और अनुमाला रेवांत रेड्डी इस समय तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं बेटा। ये टॉप 10 कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व दुनिया के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया। उसी तरीके से सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो है वो समय समय पर गोल्ड परचेस करते हैं, वो गोल्ड रिजर्व अपने पास मेंटेन रखते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि इंडिया में गोल्ड रिजर्व कौन मेंटेन करता है, तो इंडिया का गोल्ड रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। तो एक हाल फिलहाल में लिस्ट आई है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट है 2024 का। क्वार्टर टू का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर्स को 4 क्वार्टर में बांटते हो आप, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और वो सेट होता है। जैसे क्वार्टर वन की बात करें तो इसमें अप्रैल, मई और जून आ जाएगा। क्वार्टर टू की बात करें तो इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा। तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला क्वार्टर है जिसके रिजल्ट्स आए हैं। तो बहुत ही रीसेंट क्वार्टर चल रहा है, अभी सेकंड क्वार्टर ही खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर का। थर्ड क्वार्टर इज ऑनगोइंग, मतलब अभी वही चल रहा है। थर्ड क्वार्टर ऑनगोइंग है, सेकंड क्वार्टर तब खत्म हो चुका है। और इस डेटा ने यह बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अभी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है और इटली के पास थर्ड लार्जेस्ट। तो अगर हम ऊपर के 3 कंट्रीज देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इटली और 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है फ्रांस के पास। इस लिस्ट में अगर हम रशियन कंट्री देखें तो लार्जेस्ट रशियन कंट्री टू हैव द गोल्ड रिजर्व वो चाइना है, सेकेंड लार्जेस्ट जापान है और थर्ड लार्जेस्ट हम। तो अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया वैसे 3rd नंबर पर आ रहा है और ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 8। कितना है? 840.76 ये हमारे पास गोल्ड रिजर्व है इन टन्स। ये टन्स में है बेटा, तो 840.76 टन का गोल्ड रिजर्व है हमारे पास। मतलब तकरीबन टन की बात मान के चले तो इसको 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, 1 टन में 1000 किलो होते हैं ना, तो 840.76 टन गोल्ड रिजर्व है हमारे पास। और एक बार हमारे गोल्ड रिजर्व को आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गोल्ड रिजर्व से कंपेयर करो, आप देख पा रहे होगे कि मतलब कोई मैच ही नहीं, बहुत ज्यादा ही है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूँ 8,133.46 टन गोल्ड रिजर्व है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। इतना गोल्ड की वजह से तो आप लोग देखते हैं ना कि देखो, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व बढ़ जाते हैं ना, उस कंट्री की इकोनॉमी, उस कंट्री की करेंसी वर्ल्ड में काफी स्टेबल मानी जाती है। तो अगर हमारे गोल्ड रिजर्व देखो, जैसे कि मैं अभी इकोनॉमी की न्यूज भी कवर करता हूँ तो कई सारी इकोनॉमी की न्यूज में मैं ये देखते आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से ना, हम लोगों का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो अच्छी बात है, मतलब हमारी कंट्री स्टेबलाइज हो रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, आईफा 2024 अवार्ड की सेरेमनी अबू धाबी में हुई थी अभी। आईफा का मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी 2024 की सेरेमनी हुई थी अभी अबू धाबी में और बहुत सारे प्रोमिनेंट स्टार्स आपके हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के यहाँ पर पहुंचे। जैसे शाहरुख खान हमने देखे, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी, रेखा, अनिल कपूर, बहुत सारे जो मतलब जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। शाहरुख खान और विकी कौशल प्लस करण जोहर। तो शाहरुख खान, विकी कौशल और करण जोहर यहाँ पर मतलब इन्होंने होस्ट का काम किया, पूरे आईफा सेरेमनी को संभाला। और यहाँ पे शाहरुख खान एक बार पहुंच जाते हैं तो वो झूमे जो पठान पर गाना एक बार तो इनका बनता है, मतलब ठीक है, डांस करते हैं एक बार। तो आइए बात करते हैं मेजर विनर्स कौन से रहे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को। एनिमल जिसने डायरेक्ट करी है वो संदीप रेड्डी वांगा जी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को फॉर द फिल्म जवान। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा फॉर द 12th फेल, एक मूवी आई थी 12वीं फेल। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर को मिला है ऑफ कोर्स एनिमल के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड शबाना आजमी फॉर द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड आपने बॉबी देओल को दिया अगेन फॉर द फिल्म एनिमल। बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड एनिमल को मिला। बेस्ट लिरिक का अवार्ड अगेन सिद्धार्थ और गरिमा को मिला जो उन्होंने गाना गाया सतरंगा, अगेन ये गाना एनिमल का था। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा का अवार्ड जयंती लाल गाड़ा और हेमा मालिनी जी को मिला। और अचीवमेंट ऑफ 25 इयर्स इन सिनेमा का अवार्ड आपने करण जोहर को दिया। तो अगर आप मेजर कैटेगरी देखो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एनिमल का डोमिनेंस आप लोगों को आईफा 2024 सेरेमनी में देखने को मिलता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये सर जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं और इनके साथ में जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो विनय कुमार सक्सेना जी जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, इन्होंने भी ओथ सेरेमनी कंप्लीट करवाई जस्टिस मनमोहन की। ये जस्टिस मनमोहन जी है, 61 इनकी एज है और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ओथ ली है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट, इकोनॉमी के साथ साथ सॉरी करंट के साथ साथ पॉलिटी का भी कवर हो जाए। पॉलिटी का कौन सा पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है, आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जजेस की ओथ सेरेमनी में कौन जाता है, तो हाई कोर्ट के जजेस की ओथ सेरेमनी हमेशा गवर्नर करवाते हैं, हमेशा गवर्नर करवाते हैं। और बेटा अगर वो यूनियन टेरिटरी में है तो ऑफकोर्स वो गवर्नर नहीं होगा, वहां पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है यहाँ पर। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, पॉल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको बता दूं, हाईकोर्ट के जजेस की ओथ भले ही गवर्नर करवाता बट हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही करता है। मतलब ये कौन फिक्स करता है कि कौन सा जज किस कोर्ट में, किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, किस हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफर होना है। तो ये सब सारे काम सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री करेगा। बट जो एक बार नाम सेलेक्ट हो जाए उसके बाद ओथ सेरेमनी का सारा काम फिर गवर्नर देख लेते हैं। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के आपको चीफ जस्टिस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर मैं सुनीता विलियम्स की बात कर लेता हूँ। बेटा अभी भी ये स्पेस में फंसी हुई है और February 2025 में एक्सपेक्टेड इनकी रिटर्न है मैडम की। तो नासा के एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स एंड शी हैज एज्यूम्ड द कमांड ऑफ ISS। ठीक है, इस समय ये ISS में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और आपको बता दूं इससे पहले भी ये थी, मतलब 2012 में इन्होंने कमांड संभाली थी ISS की। और अब 2012 के बाद सीधा 2024 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड दूसरी बार संभाल रही है। तो ये इनका सेकेंड स्टेंट है। इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स की बात कर लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स अकेली नहीं, ISS में इनके साथ विलमोर भी है। और जैसे कि हम जानते हैं June 5, 2024 से ये दोनों जो है ये पर फंसे हुए हैं। अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो बोइंग एक कंपनी है जो वैसे तो बनाती है एयरक्राफ्ट। अगर हम लोग बोइंग की बात करें तो बोइंग जो कंपनी है वैसे तो ये बनाती है आपका एयरक्राफ्ट, अमेरिका की कंपनी है बोइंग। ठीक है जी। और इस कंपनी ने अभी एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक और आइडिया दिया, और वो आइडिया ये है कि सर अपन एक स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं। हालांकि नासा ने इनको ये बोला था कि सर देखो अभी हम लोग आपके स्पेस क्राफ्ट को सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो मतलब सेफ है, पहले हम उसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और अगर ये एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आया तो हम आपके स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पे सर्टिफाई कर देंगे। ये सब खबर है मई की। तो ये गए वैसे तो 8-9 दिनों के लिए थे, बट बोइंग का जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है स्टारलाइनर। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में जैसे ये लोग स्पेस में पहुंचते हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगती है और स्टारलाइनर को यूज करके वापस धरती पर आना सेफ नहीं बताया जा रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये डिसाइड किया गया कि स्टारलाइनर के स्पेस क्राफ्ट को धरती पर खाली भेजा जाएगा और विलमोर और जो सुनीता विलियम्स है दे विल स्टे एट ISS। और इनको वापस लाने के लिए February 2025 में हम लोग दूसरा स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे। तो मुझे नहीं पता क्या होगा बोइंग के साथ, क्या होगा बोइंग का इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने पहला ही कदम रखा था स्पेस क्राफ्ट की इंडस्ट्री में और बहुत बड़ा कदम था ये इनका जो उनको बैकफायर करके। हालांकि इलॉन मस्क ने इन लोगों की बहुत बेइज्जती करी बोइंग वालों की, क्योंकि सुनीता विलियम्स को और विल बुचमोर को वापस लाने के लिए नासा ने इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से भी कॉन्टेक्ट किया, सॉरी इन्होंने बोइंग ने, और कहा मतलब जो बोइंग थे उन्होंने ये बोला कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमको इलॉन मस्क के पास जाना पड़ रहा है, बट कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये मिशन जो था जैसे कि मैंने आपको बोला इनिशियली इसको प्लान किया गया था 8 दिनों के लिए, बट जो टेक्निकल इश्यूज आने लग गए स्टारलाइनर पर इसकी वजह से अब ये मिशन 8 दिनों की बजाय February 2025 तक एक्सटेंड हो गया। अब क्या है, नासा बोल रहा है कि 2025 में हम लोग एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे जिसका नाम है ड्रैगन। ये लोग ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, स्पेस एक्स की तरफ से जो नासा है ये स्पेस क्राफ्ट को भेजेगा। यहाँ पे इलॉन मस्क इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का काम करेगा। आगे चल रहा हूँ बेटा, आप देख पा रहे होंगे ये मुरुगप्पा गोल्ड कप है। आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है पहली बात तो MCC कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। और अब मैं आ रहा हूँ कि इस पूरे जो अपना हॉकी टूर्नामेंट है इसको जीता किसने। मुरुगप्पा गोल्ड कप का फाइनल इंडियन रेलवेज ने जीता है और 5-3 से इंडियन रेलवेज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम को यहाँ पर हरा दिया है। ये मुरुगप्पा गोल्ड कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का 95वां वर्जन, तो ये समझ लीजिए बिफोर इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है ये कप। बहुत ही बड़ा क्राउड हॉकी देखने के लिए वहां पर पहुंचा है। दे अपलॉडेड द डिफेंडिंग चैंपियंस रेलवेज। मतलब इससे पहले भी मुरुगप्पा गोल्ड कप का फाइनल इंडियन रेलवेज ने ही जीता था और इस बार भी इन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना डोमिनेशन दिखाया और आईएसी को मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कप जीतने से रोका। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको 3 करंट दिख रहे होंगे। अक्टूबर 1 के दिन हम लोग 3 दिन मनाते हैं। पहला दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, दूसरा है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और थर्ड है इंटरनेशनल कॉफी डे। ये तीनों ही दिन अक्टूबर 1 को मनाए जाते हैं। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी स्वच्छ भारत मिशन के 2 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने की खुशी में लोगों को बताया दैट वी हैव कंप्लीटेड 10 इयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। 2014 में लॉन्च किया था इन्होंने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के बर्थडे पर। ठीक है जी, तो इन्होंने बोला कि इस पूरे मिशन को आज इंडिया में स्टार्ट हुए 10 साल हो गए हैं और कहीं ना कहीं यार देखो दिखता है सफाई के मामले में कहीं ना कहीं दिखता है कि हम काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं पिछले 10 सालों में। रोड्स इतनी जल्दी से गंदी नहीं करते हैं। और इस बार का जो थीम रहा वो रहा स्वच्छता, संभव स्वच्छता, सॉरी हाँ स्वभाव सॉरी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। मतलब आपका बिहेवियर स्वच्छता, आपका कल्चर जो है वो स्वच्छता। तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता इस बार के स्वच्छता ही सेवा मतलब इस बार के पूरे स्वच्छ भारत मिशन का थीम रहा है। स्वच्छता ही सेवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता ही सेवा ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज किया। स्वच्छता ही सेवा ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि देखो स्वच्छ भारत मिशन के अब 10 साल पूरे हो गए। ये इवेंट हुआ कहाँ पर था बेटा? न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन ये वेन्यू है। 2 अक्टूबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं कि हम 10 सालों से इंडिया में सैनिटेशन और क्लीनिनेस ड्राइव चला रहे हैं और सही में पिछले 10 सालों में रिजल्ट तो दिखता है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई लाइक इस पूरे महीने और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 8th एडिशन था। मतलब इससे पहले 7 एडिशन हो चुके थे। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है काजिंद। क्या है? काजिंद। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है बेटा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अलावा 2 तरह की एक्सरसाइज और होती है जिसमें एक एक्सरसाइज में आप लोगों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है और एयरफोर्स के अलावा दूसरी एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम। मैरीटाइम में आप लोगों की जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मगर ये मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर आप दोनों की कंट्री की आर्मी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार ये हुआ का ऑल्टरनेटिवली ये एक दूसरे के देश में होता है। इस बार उत्तराखंड के औली में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। 30 सितंबर को शुरू हुई थी और 13 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। काजिंद जो है ये एनुअली 2016 से हम जो दोनों देश है ये ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। कजाकिस्तान भी और इंडिया दोनों यहाँ पर एशियन कंट्रीज हैं। तो ये जो लैंड एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज जो है ये कजाकिस्तान के ओतार में हुई थी। तो इस बार हम लोगों ने इसको इंडिया में करवा दिया। आगे चलते हैं भाई, कमाल कर दिया इन्होंने। मुझे याद आ रहा है मैं पहले जब स्नूकर फॉलो किया मतलब खेलता था और फॉलो करता था तो बहुत बड़ा नाम था हमारे स्नूकर की इंडस्ट्री में। एक तो है सुलेमान भाई साहब है और एक मार्क सेल्बी। मतलब इनको हरा पाना, रोनी और सुलेमान और मार्क सेल्बी स्नूकर के जाने माने खिलाड़ी है यार। मतलब बहुत बहुत गजब के खिलाड़ी। और इंडियन इशप्रीत सिंह चड्ढा ने कमाल कर दिया यहाँ पर। इशप्रीत सिंह चड्ढा जो वैसे मुंबई से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। मतलब इतना बड़ा नाम है ना मार्क सेल्बी, लेजेंड प्लेयर। मतलब कहते हैं ना कि जितना इनकी जीत के चर्चे नहीं हुए उतना मार्क सेल्बी के हार के हो गए। या ये कह लो कि मार्क सेल्बी और रोनी और सुलेमान स्नूकर की फील्ड के महेंद्र सिंह धोनी। तो मार्क सेल्बी को हरा दिया इशप्रीत सिंह चड्ढा ने क्वार्टर फाइनल्स किसका? प्रोफेशनल स्नूकर सर्किट के क्वार्टर फाइनल्स। मार्क सेल्बी 4 बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन चुके हैं। आपको ये भी बता दूं 4 बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन को हरा दिया आपने और आपको क्या चाहिए। और ऐसा करने वाले पिछले 10 सालों में ये पहले इंडियन जिन्होंने मतलब सेमीफाइनल जो खेलने के लिए जाएंगे, जो प्रो सेमीफाइनल खेलने के लिए जाएंगे स्नूकर का। ये तो वैसे तो इंडियंस जो हैं वो क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो जाते हैं हम लोग। तो इशप्रीत सिंह चड्ढा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद अक्टूबर 2 बेटा बहुत ही देखो कहते हैं ना आयरनी है लाइफ की। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, मगर इसी दिन कहा जाता है ऑफिशियली इजराइल और ईरान दोनों कंट्रीज वॉर पर जाती है इसी दिन। 2 अक्टूबर की। 2004 में एक ईरानियन नोबेल लॉरिएट थे, नाम था इनका शिरीन इबादी। दिस मैन सॉरी जो शिरीन है had a proposal of an international day of violence। तो शिरीन had a proposal of international day of non violence। और कहा जाता है कि ये आइडिया जो शिरीन का था इसको ग्रेजुअली बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं। और गजब चीज क्या है कि 2 अक्टूबर को जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है ना, ये इंडिया के नेशनल फादर जिसको हम कहते हैं ना मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कहकर ये सेलिब्रेट किया जाता है कि हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे, सोचिए महात्मा गांधी का बर्थडे इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है और कहकर सेलिब्रेट होता है क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आइडियल्स आप लोगों को दिए जिसमें सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें थी। 2 अक्टूबर को बेटा गांधी जयंती तो होती है, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गांधी जयंती के साथ यहाँ पे शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है जो कि इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी को वैसे फादर ऑफ द नेशन तो कहा जाता है, बट कभी कभार पूछा जाता है कि हु कॉल्ड महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम द फादर ऑफ द नेशन। तो इनको फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले जिसने बोला, फर्स्ट टाइम जिसने बोला, वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को यहाँ पर फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले बोला, ठीक है। और महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1816 में। महात्मा गांधी वैसे प्रोफेशन से एक अच्छे एडवोकेट हैं और इनके साथ ये अपना बर्थडे शास्त्री जी के साथ भी शेयर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर लॉन्च करते हैं E-ड्राइव स्कीम, प्राइम मिनिस्टर E-ड्राइव सब्सिडी स्कीम। सब्सिडी स्कीम है यार ये। सब्सिडी स्कीम मतलब क्या, अगर आप भारत में ईवी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, उसके टोटल कॉस्ट पर आपको कुछ पैसा रिफंड मिलेगा। जैसे ईवी खरीदने वाले लोग जो है उनको आरटीओ पे नहीं करना होता या शायद करना भी होता है तो उसके ऊपर कुछ कंसेशन आपको मिलता है, जो रोड टैक्स है उस पर कंसेशन मिलता है, आपको काफी सस्ती पड़ती है बाकी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। टैक्सेशन की बात करें, हाँ सस्ता कुछ नहीं, वैसे कॉस्टिंग देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल कार के बराबर ही पड़ रही है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर E-ड्राइव स्कीम, जिसका एम है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कल्चर को प्रमोट करना। इनिशिएटिव की टोटल कॉस्ट 10,900 करोड़ की है और इस पूरे की पूरे पीएम E-ड्राइव स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया जाएगा वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाएगा। ये बात तो सबको पता है ना, आज हम लोग क्यों ईवी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है ही नहीं, बहुत ही कम। आज मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके भी जाता हूँ ना आउट ऑफ दिल्ली तो मुझे टेंशन हो जाती है कि शायद दिल्ली के बाहर मुझे कार चार्ज करने के स्टेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी रहे हैं तो वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के बाद मिल रहे हैं तो मुझे रुकना पड़ रहा है। मेरे पास फास्ट चार्जर भी है बट मुझे रुकना पड़ता है, मुझे 3 घंटे 4 घंटे रुकना पड़ता है क्योंकि अगर कहीं पर चार्जिंग स्टेशन है तो वहाँ पे फास्ट चार्ज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे तो यार ऑफ कोर्स ईवी इकोसिस्टम इंडिया में इतना चल नहीं पाएगा। ये सब्सिडी स्कीम 2026 तक चलेगी, तो डोंट वरी, 2026 तक अगर आप कार प्लान कर रहे हैं तो ये आपको सब्सिडी मिलेगी। अब मैं इंडियन स्टॉक मार्केट पर आ रहा हूँ। इंडिया की स्टॉक मार्केट पिछले 2 सालों से निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब बिना रुके बढ़ती जा रही है। जनरली स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे ऐसे चलना चाहिए, बहुत ही अननेचुरल सी ग्रोथ देखी जा रही है, बट फिर भी चलो हम अच्छी चीजें देख लेते हैं। इंडिया जो है वो एमर्ज करता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज ए 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर ग्लोबल मार्केट। आई सेड 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर ग्लोबल मार्केट इंडिया परफॉर्म करता है हांगकांग के बाद, मतलब क्लोजली फॉलोइंग हांगकांग। हांगकांग दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर मार्केट है और इंडिया जो है हांगकांग के बाद मतलब 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर ग्लोबल मार्केट बनता है, ठीक है जी। तो क्यों ऐसा, क्यों, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला ना कि इंडिया जो है, इंडिया की स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। और इस बार के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में, H1 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, H1 में Q1 और Q2 आ जाए। आपको याद आ रहा होगा Q1 Q2 क्या है, मैंने बोला था ना 3-3 महीने। तो H1 में 2 क्वार्टर्स आते हैं, Q1 Q2, और H2 में भी 2 क्वार्टर्स आते हैं, वो है Q3 और Q4। तो H1 का रिजल्ट ये निकाल के आ रहा है और ये बोलता है कि सर H1 में देखा जा रहा है, H1 के रिजल्ट में हांगकांग के बाद इंडिया दुनिया की 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल शेयर मार्केट बन गई है। और पिछले 6 महीनों से अगर हम देखते हैं तो इंडिया कंसिस्टेंटली इंडियन की मतलब इंडिया की स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है। हालांकि हांगकांग इस लिस्ट में नंबर 1 पर रहा, इंडिया नंबर 2 पर, इंडिया के बाद सिंगापुर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर अमेरिकन स्टॉक मार्केट और नंबर 5 पर चाइनीज स्टॉक मार्केट रही। तो दीज आर द 5 बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल शेयर मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बाद आपने ये न्यूज भी शायद इंस्टाग्राम पर देखी होगी, मिथुन चक्रवर्ती आपको दिख रहे होंगे, इनको सेलेक्ट कर लिया है फॉर दादा साहिब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड ये समझ लीजिए इंडिया में दिया जाने वाला, एक इंडियन सिनेमा में दिया जाने वाला सिनेमा की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है। और ये अनाउंसमेंट अश्नवी वैष्णव ने लोगों को दी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। अश्नवी वैष्णव इस समय भारत के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है और इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन एक्स पर दी कि 74 एज की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती को हम दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करेंगे। हालांकि ये सेरेमनी बेटा 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में इनको ये अवार्ड दिया गया जो 8 अक्टूबर को सेरेमनी हुई। ठीक है जी, तो मिथुन चक्रवर्ती इस अवार्ड के मिलने से पहले इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। पद्म भूषण अवार्ड भी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको दिया है और अब इनको मिल गया दादा साहिब फाल्के अवार्ड। चलिए जी बात करो, सार्जेंट वाइस एडमिरल आरती सरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वाइस एडमिरल आरती सरीन ये बन गई है फर्स्ट विमेन ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट ओवरटेक करेंगी, मतलब टेक ओवर करेंगी। डायरेक्टर जनरल किसकी? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आज तक कभी भी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल कोई विमेन नहीं बनी है, तो शी इज गोइंग टू ओवरटेक फॉर द फर्स्ट टाइम द पोजीशन ऑफ डीजी ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आपको बता दूं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का काम मेडिकल पॉलिसी मैटर्स को ओवरलुक करना है, वो मेडिकल पॉलिसी मैटर्स जो इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। और आपको बता दूं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। यहाँ पे होम मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आप काम करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा वीनस ऑर्बिटर मिशन। हम लोगों के ह्यूज सक्सेस के बाद, मतलब मून मिशन की ह्यूज सक्सेस के बाद इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग तकरीबन मार्च, आज से 4 साल के बाद मार्च के महीने में हम शुक्रयान भेजेंगे। शुक्रयान जिसको हम लोग वीनस ऑर्बिटर मिशन कह रहे हैं। 112 दिन लगेंगे हमारे वीनस मिशन को वीनस तक पहुंचने। इस पूरे मिशन की कॉस्ट इसरो ने बताई है 1236 करोड़ के आसपास आएगी। यूनियन कैबिनेट से इन्होंने मंजूरी ले ली है, इसका मतलब आने वाले 4 सालों में पैसे यूनियन कैबिनेट इनको प्रोवाइड करवाएगी। 1 अक्टूबर 2024 को ये न्यूज जो है ये रिवील की गई। VOM का मतलब है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जबकि इसका ऑफिशियल नेम, अनऑफिशियली लोग इसको शुक्रयान कह रहे हैं, ऑफिशियल नेम इसका वीनस ऑर्बिटर मिशन है क्योंकि हमने चांद पर जाने वाले ऑर्बिटर मिशन को चंद्रयान बोला, मंगल पर इसको हिंदी में क्योंकि शुक्र ग्रह कहते हैं, तो हो सकता है क्या वीनस ऑर्बिटर मिशन को अनऑफिशियली शुक्रयान कह रहे हैं। प्राइमरी एम क्या है? कुछ नहीं है, वीनस के एटमॉस्फेयर और जो जियोलॉजी है उसको एक्सप्लोर करेगा ये। आपको बता दूं बेटा वीनस के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, भले ही ये सूरज के पास 2nd क्लोजेस्ट प्लैनेट है, बट वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। वीनस को आप हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कंसिडर करते हैं। अब मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है वाई हम वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर क्यों करते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। वीनस मिशन को लॉन्च करने के लिए हम लोग LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। लॉन्च व्हीकल Mk-3 रॉकेट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI, ये वो कंपनी है जिसने UPI लॉन्च किया था 2015 में। तो अब ये इंडिया में कुछ UPI स्टाइल पेमेंट सिस्टम, जैसे इंडिया में UPI चलता है ना बेटा, उसी तरीके का UPI से मिलता जुलता पेमेंट सिस्टम NPCI जो है वो 2 कंट्रीज के लिए यहाँ पर बनाने जा रही है। एक है ट्रिनिडाड, दूसरा है टोबैगो। तो टोबैगो और ट्रिनिडाड के लिए UPI जैसा एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम NPCI जो है वो बनाने जा रही है। आपको बता दूं बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो हमारी NPCI है उसने लॉन्च किया था यहाँ पर UPI और ह्यूज सक्सेस, मतलब खासकर कि 2016 में, सॉरी माफ कीजिएगा 15 नहीं, 2016 में हम लोगों ने UPI को इंडिया में लॉन्च किया था। UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI से एक फायदा क्या हुआ, UPI से ना आपने आपके फोन नंबर, आपके जो मोबाइल नंबर है आपने मोबाइल नंबर को ही अकाउंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया तरीके से। पहले क्या होता था ना, किसी को मनी भेजने के लिए उसका अकाउंट नंबर याद होना जरूरी है, फिर IFSC कोड आपको याद होना जरूरी है, अकाउंट नेम उसका क्या है, करेक्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा, मतलब तरह तरह की डिटेल्स आप उससे पूछते थे। उसके बाद हाफ एन आवर लगता था, उसको ऐड करो बेनिफिशियरी के रूप में, फिर 24 आवर्स के बाद ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बड़ा झंझट था यार। आजकल क्या है, ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं, आप बस अपने अकाउंट के साथ एक फोन नंबर अटैच कर दीजिए, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो जो भी फोन नंबर आप अपने अकाउंट के साथ अटैच करेंगे वही फोन नंबर आपकी आइडेंटिटी है। किसी इंसान को अगर आपको पैसे भेजने हो तो वो आपके अकाउंट नंबर नहीं, आपके फोन नंबर पर पैसे भेजेगा, और वो पैसे आपके उस अकाउंट पे जाके क्रेडिट हो जाएंगे जिस अकाउंट से आपने वो फोन नंबर अटैच किया हुआ है, और भेजने वाले के उस अकाउंट से वो पैसे डेबिट होंगे जिस अकाउंट से भेजने वाले इंसान ने अपने फोन नंबर को अटैच किया हुआ। तो यूपीआई देखते ही देखते ग्लोबल भी हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज में आज हमारा यूपीआई चल रहा है। सिंगापुर जाइए आप, फ्रांस जाइए आप, अब वहां पर यूपीआई यूज कर सकते हैं। दुबई जाइए आप, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ तो चल ही रहा है। खैर बहुत सी मेजर, अब यूके जाइए, वहां पर इंडिया का यूपीआई चल रहा है। तो ह्यूज सक्सेस। हम लोग अपना यूपीआई नहीं बना के दे रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपीआई जैसा कुछ मिलता जुलता सिस्टम आपको मतलब हेल्प कर देंगे बनाने में। और केवल इसीलिए नहीं, ट्रिनिडाड और टोबैगो के अलावा एक कंट्री की हेल्प हम और कर रहे हैं, एक नहीं हम लोग दो कंट्री की हेल्प और कर रहे हैं, पेरू और नामीबिया। इन दोनों कंट्रीज की हेल्प हम लोग यूपीआई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और कर रहे हैं। यूपीआई ने दो तरह की पेमेंट्स तो इंडिया में बहुत आसान कर दी, एक तो है पर्सन टू पर्सन और दूसरी पेमेंट है पर्सन टू मर्चेंट, बहुत आसान करती है। और एक डेटा ये बता रहा है कि इंडिया में रोज का 500 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाता है। चलिए जी, स्क्रीन पर जो सर आपको दिख रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, नाम है इनका पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन जो है, इन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई है केरला के कन्नूर में, केरला के कन्नूर में। और ये इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट है, ठीक है। तो ये कन्नूर में लगी है, 1 अक्टूबर को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। सिंपल सी बात, ये सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप किसने किया है? तो ये प्लांट डेवलप किया है मतलब ये जो प्लांट है ये डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद इसरो। इसरो के साथ कोलैब करके आपने इस प्लांट को डेवलप किया है। सिंपल सी बात है, इंडिया का पहला है, तो सुपर कैपेसिटर फील्ड में इंडिया कैन बिकम अ सेल्फ रिलायंट कंट्री। कुछ केरला के बारे में बेटा यहाँ पर जान लीजिए। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर इज पिनराई विजयन, अरीफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। और कुछ नेशनल पार्क जो केरला में देखने को मिलते हैं उसमें पेरियार नेशनल पार्क, मठीकत्तन नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस फैसिलिटी बनकर तैयार होगा झारखंड रांची में। रांची कैपिटल है झारखंड की। इस पूरे के पूरे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस फैसिलिटी को बनाया किसने? बनाया है गेल इंडिया ने। गेल इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया इन पार्टनरशिप विद 2 कंपनीज। गेल ने अकेले मिलकर नहीं बनाया ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस फैसिलिटी को, इसको 2 कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया। एक है CEID कंसल्टेंट्स और दूसरी कंपनी है EPC कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल सी बात है यार, बायोगैस क्या होती है ना? बायोगैस वो गैस है जो कि वेस्ट एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो गैस आप लोग बनाते हैं। इस गैस की सबसे खास बात क्या है कि ये इको फ्रेंडली गैस है, ठीक है। इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रीशन नहीं, एनवायरमेंट बचा लेते हो आप लोग, किसी भी तरीके का कोई ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर नहीं निकलता। तो बायोगैस से सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है कि वेस्ट जो आपका किचन वेस्ट है, आप इससे भी बायोगैस बना सकते हो। तो एक वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है और एक क्लीन एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लीन एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं। हम अगर बायोगैस में इंडिया महारत हासिल कर लेता है ना, है ना, अगर हम बायोगैस को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं हमारा फ्यूल इम्पोर्ट, क्योंकि फ्यूल तो इंडिया में देखो 80% तो हम इम्पोर्ट ही करते हैं, तो हमारा फ्यूल इम्पोर्ट बहुत बड़ी मतलब फ्यूल इम्पोर्ट में आपको बहुत बड़े लेवल पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। क्योंकि अगर हम बायोगैस इंडिया में ही बना लेते हैं तो हम लोग फिर क्यों फालतू में क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाएंगे? पेट्रोल डीजल आपको क्यों ही चाहिए होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तो सरकार इसीलिए प्रमोट कर रही है ताकि इंडिया का फ्यूल इंपोर्ट आने वाले फ्यूचर में कम हो। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। कार्लोस अल्काराज आपको बेटा स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ का पहला चाइना ओपन टाइटल जीता है। He has won his first China Open title, और जिसको डिफीट किया ये भी बता दूं, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर को इन्होंने डिफीट किया और कार्लोस अल्काराज यहाँ पर अपना फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल जीत जाता है। 2 अक्टूबर से लेकर हम लोग 8 अक्टूबर तक एक वीक सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। वीक का नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है। तो इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है और इस पूरे वीक में हम लोग इंडिया के डाइवर्स इकोसिस्टम की बात करते हैं। इस पूरे वीक में हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं और इस पूरे वीक का जो थीम रहा है इस बार, वो रहा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू को एग्जिस्टेंस। सिंपल बात है यार, वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलानी बहुत इंपॉर्टेंट। 2014 में मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम बने थे ना, तब उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मन की बात। तब बड़ा गजब चीज था वो, काफी क्रेज था लोगों में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहली बार लोगों से रेडियो पर बात करेगा। तो मन की बात एक रेडियो प्रोग्राम है जो आज से 10 साल पहले शुरू किया गया था। और आपको बता दूं, अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में, खासकर की 6 अक्टूबर, नहीं 3 अक्टूबर 2014 को आपने इसको लॉन्च किया। और इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संडे के दिन जो मन की बात का एपिसोड शुरू किया, तो वो मन की बात का 114वां एपिसोड था। उन्होंने अपने एपिसोड में भी ये बात बोली कि मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने मन की बात 10 साल पहले शुरू किया था और आज 96% ऑफ इंडिया के साथ मैं कनेक्टेड हूँ इस प्रोग्राम से। तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा लोग मुझे मन की बात में सुनते हैं, ठीक है। और इस मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने बहुत सी पर्सनालिटीज को अपने साथ समय समय पर एनरोल किया, जैसे बराक ओबामा, इन्होंने भी रेडियो प्लेटफॉर्म शेयर किया है मन की बात पीएम मोदी के साथ। लता मंगेशकर हैज ऑल्सो शेयर्ड द प्लेटफॉर्म विद पीएम मोदी। कहा जाता है कि इस मन की बात के 200 मिलियन तो रेगुलर लिसनर्स हैं, 230 मिलियन लोग तो इंडिया के रेगुलर सुनते ही मन की बात जब भी ये लाइव आता है। 410 मिलियन ओकेजनल लिसनर्स बताए जा रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा, वेस्ट टू वेल्थ मंत्र। इस बार ये मंत्र दिया गया स्वच्छ भारत के 10 ईयर एनिवर्सरी पर। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि जब हमने स्वच्छ भारत का 10 ईयर एनिवर्सरी बनाया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक मंत्र दिया सबको कि वेस्ट टू वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वेस्ट का इस्तेमाल करके वही वेस्ट मटेरियल जो है वो आपकी वेल्थ हो सकता है, बस कोशिश है तो यहाँ पर अवेयरनेस। वर्ल्ड स्माइल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर को और वर्ल्ड एनिमल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको DAGGUA कहा जाता है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये प्रोग्राम झारखंड के हजारीबाग में पीएम मोदी आपको दिख रहे होंगे सेंटर में इनॉग्रेट करते हुए, ठीक है। और ये इनॉग्रेशन 2 अक्टूबर को किया गया महात्मा गांधी के बर्थडे पर। क्या है सर ये प्रोग्राम? पहली बात तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा झारखंड स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ठीक है। 79,156 करोड़ इस पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे लगाए जाने वाले, जिसमें से 56,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तकरीबन 22,800 करोड़ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इस पूरे की पूरे प्रोग्राम का एम क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, झारखंड में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड पर ये प्रोग्राम काम करेगा। जो गैप्स आपको, क्रिटिकल गैप्स आपको देखने को मिलते हैं लोगों के बीच में, हेल्थ में इतना गैप है, एजुकेशन में इतना गैप है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतना गैप है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना गैप है, उस गैप को ये कन्वर्ट करेगा इन नो गैप, गैप को फिल करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जो यहाँ पर ये लोग, मतलब सिंपल सी बात क्या, यहाँ पर अगर हम देखें तो झारखंड में ट्राइबल एरियाज बहुत सारे मिलते हैं ना आपको। यहाँ पे आपने सुना होगा एक ट्राइब, झारखंड की फेमस ट्राइब है मुंडा ट्राइब, झारखंड की है। तो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज झारखंड में मिलते हैं, तो उन सभी ट्राइबल एरियाज का पूरी तरीके से होलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रोग्राम में किया जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लैंग्वेज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दिया है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इंडिया की 5 लैंग्वेजेस को मिल गया है। कौन कौन सी 5? मराठी, पाली, प्राकृत, असामी एंड बंगाली। अब आप बोलेंगे सर क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसका ग्राउंड क्या होता है, किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिलता है? सबसे पहली बात, आपकी ऐसी लैंग्वेज जिसकी 1000 सालों से भी ज्यादा की लेगेसी रही हो। दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत एंशिएंट लिटरेचर या कोई बहुत एंशिएंट टेक्स्ट उस लैंग्वेज में लिखा गया हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका लिटरली जो ट्रेडिशन है, जो उसका लिटरेचर है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, वो किसी से बोरो नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बोरोड लिटरेचर एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, आपका यूनिक होना चाहिए। इन सब ग्राउंड्स के ऊपर मैं किसी लैंग्वेज को यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे सकता। तो इंडिया की प्रोफाउंड कल्चरल हेरिटेज को इसने और रिच कर दिया है। इस 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिल गया है। आपको बताऊं, सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का टैग तमिल लैंग्वेज को मिला था 2004 में, फिर संस्कृत लैंग्वेज को मिला था 2005 में, फिर तेलुगु को मिला 2008 में, कन्नड़ को मिला 2008 में, मलयालम को मिला 2013 में, उड़िया को मिला 2014 में। और उसके बाद अब 28 आपने अक्टूबर में इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दिया है। सबसे पहले तमिल को मिला था, जैसे कि मैंने आपको बोला ना। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको ये सर दिख रहे होंगे, इनका नाम है SP धारकर, एयर मार्शल SP धारकर। इन्होंने हाल फिलहाल में ओथ ली है एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं, और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ को कहा जाता है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये तो मैंने बता ही दिया, खैर आपको। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो थे, ये वाइस चीफ थे। तो अमरप्रीत सिंह तो बन गए हैं चीफ, अमरप्रीत सिंह चीफ बन गए हैं, और SP धारकर जी बन गए हैं वाइस चीफ। तो जब अमरप्रीत सिंह रिटायर हो जाएंगे, ऑफ कोर्स आप लोग देखोगे जो ये हैं SP धारकर जी हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली यही इंडियन एयरफोर्स के अगले चीफ होंगे। इंडियन एयरफोर्स 1950 में हम लोगों ने स्टेब्लिश किया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वाइस चीफ जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कौन है, एयर मार्शल SP धारकर। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले सुजीत पुष्पाकर धारकर थे। सॉरी, यही है SP की फुल फॉर्म है, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पर SP का मतलब है सुजीत पुष्पाकर। और जो डिप्यूटी चीफ है एयर स्टाफ के, वो है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। हमने इनको भी कवर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, सितंबर मंथ की वीडियोस में मैंने इनको भी कवर किया था। बेटा बेंगलुरु में 10 फरवरी अगले साल एक प्रोग्राम होने वाला है जिसको एरो इंडिया शो कहते हैं। एरो इंडिया एक्चुअली में एक डिफेंस एयर शो है, और बेंगलुरु में कहाँ पर होता है ये? बेंगलुरु का एक एयरफोर्स स्टेशन है यलहंका एयरफोर्स स्टेशन। वहां पर इस बार एरो इंडिया शो का 15th एडिशन होने वाला है। कहाँ पर है? कर्नाटका। 10 से लेकर 14 फरवरी के दिन ये होगा। दुनिया की जाने माने डिफेंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, दुनिया के जाने माने डिफेंस सेक्टर के लोग यहाँ पर आएंगे। अमेरिकन, फ्रांस, हर कंट्री से यहाँ पे लोग आएंगे, अपने अपने क्राफ्ट्स को लेकर, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर शोकेस करेंगे दुनिया को कि देखिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। और जैसे कि मैंने बोला शो है ना ये, तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी आप शो करते हैं वो आप लोग बेचने के लिए लेकर आते हैं। तो आप मतलब पहले ही आपको करतब दिखाएंगे कि देखो हमारा प्लेन क्या कर सकता है, और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी एरो इंडिया शो में इंडियन गवर्नमेंट उसका ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हम दूसरी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी सकते हैं, और हम दिखाते भी हैं, हम इंडियन इक्विपमेंट्स भी इस शो में दिखाते हैं। जैसे हमने पिछली बार तेजस को दिखाया था, और तेजस का ऑर्डर इजिप्ट ने हमसे बुक करा था। हमारा जो तेजस है, सिंगल इंजन जेट जो है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो हम लोगों ने पिछली बार शोकेस किया था, और इजिप्ट ने काफी उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। तो सिंपल सी बात, इस पूरे की पूरे इवेंट में आप लोग देखोगे इंडियन और फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स आएंगे। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेशन इंडिया में पहुंचेंगे। उनके सामने एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, वो तरह तरह के जो एक्ट है वो परफॉर्म करेंगे, मतलब एग्जीबिशन दिखाएंगे। और ऑफ कोर्स इसको इनॉग्रेट हर साल की तरह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पिछले साल इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा 2023 के एयर शो में। इस बार क्या होता है देखने वाली बात है। एरो इंडिया शो को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज करती है, बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज के साथ, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। इन सभी मिनिस्ट्रीज, इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एरो इंडिया शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में बहुत ही हिस्टोरिक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है। और ये तब किया है जब बांग्लादेश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता है शेख हसीना ने क्या किया, या शेख हसीना के साथ क्या हुआ। इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में ये कहा जा रहा है पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बांग्लादेश जाएगी। 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेपाल एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को वाया इंडिया। इंडिया की पावर ग्रिड का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी नेपाल बांग्लादेश तक पहुंचाएगा। लैंडमार्क डील है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेपाल अपनी बनाई हुई बिजली बांग्लादेश को बेच रहा है। और इंडिया ने ऐसा क्यों करवाया है? जाहिर सी बात है यार, नेपाल में ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ सके, नेपाल में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ताकि कम किया जा सके। नेपाल क्योंकि धीरे धीरे चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो और हमारा नेबर है। 1950s के साथ ही हम लोग नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं, 60 से फ्रेंडशिप ट्रीटी फॉलो कर रहे हैं। तो नेपाल एक अच्छा मतलब हमारा तो अच्छा दोस्त है, तो हम ऑफकोर्स नहीं चाहेंगे कि वो चाइना की तरफ जाए। चलिए जी, इंडियन अंडर 17 फुटबॉल टीम ने यहाँ पर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत ली है। हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को डिफीट किया है फाइनल मैच में, और ये टूर्नामेंट भूटान में हुआ था। इंडिया ने इस इवेंट को जीतने के साथ ही एक अनबीटन रिकॉर्ड मेंटेन किया है। आपको बता दूं, बोथ अटैक और डिफेंस में इंडिया काफी आगे है। पिछले साल भी हम ही जीते थे इसमें। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो ये टूर्नामेंट है ये 1997 में शुरू हुआ, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं तो इस पूरे टूर्नामेंट में बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाद में भूटान यहाँ पे ज्वाइन होता है। और इनकी फुटबॉल टीम्स के बीच में ये जो मैच है ये खेले जाते हैं। तो जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है सीनियर और जूनियर कैटेगरी दोनों के लिए। इस साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर ढाका में है और काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन इस समय इसके प्रेसिडेंट है और ये भी बांग्लादेशी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक। और 5 अक्टूबर को, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आई सेड वर्ल्ड टीचर्स डे, मैं नेशनल टीचर्स डे की बात नहीं कर रहा। आगे सकते हैं, इनको कौन नहीं जानता, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर। ये बेटा अब आपको बता दूं 9 साल के बाद पहली बार कोई इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा। और इंडियन डेलीगेशन में कौन जा रहा है? पाकिस्तान। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे सर क्यों जा रहे हैं? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है इस बार पाकिस्तान में 15 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। और जैसे कि मैंने आपको बोला, पिछले 9 सालों में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का ये पहला विजिट होने वाला है पाकिस्तान। इससे पहले कब गया था? इससे पहले इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2015 में गया था। नाम था इनका सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी गई थी इससे पहले। 9 सालों के बाद अब दोबारा एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ पर जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल टाइज, कोई बातचीत नहीं होती है और इस बार भी नहीं होगी। हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि सर हम बस और बस SCO के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इस मीटिंग में या इस समिट के दौरान कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं है। जनरली क्या करती है ना कंट्रीज, आप जाते ही हो किसी मतलब क्या कहते हैं दूसरे देश में, जैसे सपोज करो कि जापान में, मैं मान के चलो कि जापान में G7 समिट होनी है, या छोड़ो गोली मारो ना, जैसे सपोज करो कि कनाडा में G7 समिट होनी है अगले साल। G7 अगले साल कनाडा में, ठीक है जी। तो G7 कंट्रीज के लिए इंडिया वैसे मेंबर नहीं है, बट इंडिया को ना लोग इन्वाइट कर लेते हैं। तो जब इंडिया G7 समिट के लिए बाय चांस अगर मान के चलो कनाडा जाएगा, तो G7 कंट्री में इटली भी है, हम इन सबसे मिलेंगे। तो हम जाते हैं ना, तो हम लोग साथ के साथ अनाउंस कर देते हैं कि सर हम आ तो रहे हैं, तो इटली के साथ, US के साथ, जापान के साथ या कनाडा के साथ हम लोग बायलैटरल टॉक्स है वो भी हथियार निपटा लेंगे। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमने बोला पाकिस्तान के पास हम केवल SCO समिट के लिए जा रहे हैं, इनके साथ कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं है। बेटा SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना में है। जांगमिंग इसके सेक्रेटरी जनरल है। आज की डेट में बेलारूस, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत 9 कंट्रीज आज की डेट में SCO की मेंबर्स हैं। 2017 में ही इंडिया मेंबर बना था SCO का। इसके बाद आगे बात करते हैं, 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा था सेरिब्रल प्लासी डे, वर्ल्ड सेरिब्रल प्लासी डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट होता है और 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द ग्लोब। अब आप बोलेंगे ग्लोब, बेटा ग्लोब में इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। ग्लोब है क्या? ग्लोब एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, मतलब दुनिया भर की वो सारी अथॉरिटीज जिसका काम एंटी करप्शन लॉ को एनफोर्स करवाना है, उन सभी नेटवर्क्स का, दुनिया में जितने भी नेटवर्क काम कर रहे हैं आपके कंट्री लेवल में, जिनका काम है हमारे देश में या एक पर्टिकुलर कंट्री में एंटी करप्शन लॉ को एनफोर्स करना, वो ऑटोमेटिकली अगर चाहे मतलब तो वो ग्लोब में अपनी उस एजेंसी को लिस्ट करवा सकता है। तो इंडिया को इलेक्ट कर लिया है ग्लोब में। ग्लोब में 15 मेंबर है, 15 मेंबर्स आर देयर इन ग्लोब, और इसका सेशन चल रहा था बीजिंग में जब ये अनाउंसमेंट हुई कि इंडिया को भी हम लोगों ने ग्लोब नेटवर्क में शामिल कर लिया है। तो वोटिंग प्रोसेस हुई थी, और आपको बता दूं इंडिया एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एफर्ट्स में कि हम लोग दुनिया भर में करप्शन जैसी चीजों को कॉम्बैट कर सके, इससे लड़ सके। हालांकि ऑफिशियली अगर हम देखते हैं तो इस पूरे नेटवर्क के पास आज के डेट में कितने मेंबर हैं, 121 मेंबर है इस पूरे नेटवर्क, जिसमें 219 अथॉरिटीज आती हैं। 121 कंट्रीज की 219 ऐसी अथॉरिटीज हैं जो एंटी करप्शन से रिलेटेड है, वो इसकी मेंबर है। और अगर हम बात करते हैं इस ग्लोब की स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी कौन सी कमेटी है, तो ग्लोब नेटवर्क है एक। ग्लोब क्या है सर? ग्लोब एक नेटवर्क है जिसमें वो सारी अथॉरिटीज आती हैं दुनिया भर की जिनका काम करप्शन को रोकना है। इतना पहले समझो, ग्लोब में आज के डेट में मेंबर्स कितने हैं? आज के डेट में 121 मेंबर्स हैं इसमें, बट ग्लोब को चलाने वाली कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी। ग्लोब को चलाने वाली कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी, और स्टीयरिंग कमेटी में इस 121 मेंबर्स में से ही 15 मेंबर जाते हैं, और इस बार इन 15 मेंबर्स में से हमारा इंडिया एक हो गया है। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी ऐसी अथॉरिटीज है जिनका काम करप्शन को रोकना है? इंडिया का सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये वो एजेंसीज हैं जो ग्लोब की पार्ट है, मतलब ग्लोब नेटवर्क की पार्ट है, और इंडिया में ये दोनों एजेंसीज का काम करप्शन को रोकना है। ठीक है जी, और इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर सीरीज होता है एक बार खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरी वीडियो में कवर किए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से मैं अगले 7 डेज 8 डेज का करंट आपके साथ कवर करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला केवल सीयूटी वाले बच्चे ना देखें, क्लैट वालों के लिए भी मैं इससे एक पर्टिकुलर पैसेज निकाल सकता हूँ। आपके पैसेज को बनाने के लिए बहुत है ये, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही है ये न्यूज। आराम से मैं आप लोगों के पैसेजेस यहाँ से बना सकता हूँ। 30-35 टॉपिक्स, समटाइम्स 40 टॉपिक्स आप पूरे वीक के कवर करते हैं। एक्सटेंसिव कवरेज हो रही है बेटा अपने एडू प्रिपरेटर पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज रिकमेंड करिए हमें, और बेल आइकॉन को दबाने का कोई खर्चा नहीं है तो प्लीज दबा के जाइएगा यार, अच्छा लगता है मुझे भी। और प्लीज कमेंट सेक्शन में भर के कमेंट कीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कंसिडर किया जाता है, इसका आंसर दिए बिना मत जाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो खैर इसका आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस को आप कंसिडर क्यों करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले शुरुआत में इसी से करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।